स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य है गलियों सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना व कूड़ा साफ करना। ये अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। स्वच्छता हमारे गांव तक ही जरूरी नहीं है, ये देश व राष्ट्र की आवश्यकता भी है। इससे न केवल घर आंगन स्वच्छ होगा बल्कि राष्ट्र भी स्वच्छ होगा। देश को साफ सुथरा रखना सफाई कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे साफ रखने के लिए हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी जिससे हमारा राष्ट्र साफ सुथरा रहे। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके बर्फ से ढके पहाड़ हरी भरी वादियों का नजारा देखते ही बनता है। इसी कड़ी में हम हिमाचल के ऊना जिले की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर गांव खोली बटवार साफ सफाई के लिए जाना जा रहा है। इस गांव की गलियां पक्की हैं, रास्ते पक्के हैं और छोटे से गांव भी पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं। गांव खोली बटवार ये बहुत ही एक अच्छा गांव है, बहुत ही साफ सुथरा है और इस गांव में हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे आप देखेंगे कि हर घर के लिए सड़क है, पक्की सड़क है, पूरे नाले जो हैं वो हर पक्के हैं और आपको 100 मीटर के ऊपर एक्चुअली गवर्नमेंट की बस मिल जाएगी अगर कहीं आपने जाना हो। स्वच्छता के लिए एक्चुअली डॉक्टर की फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल पास में अवेलेबल है। तो हर तरफ से हमारा गाँव जो है एक मॉडल गाँव बन चुका है। होली बटवार गांव के प्रधान कहते हैं कि इस गांव की सफाई के लिए जागरूकता अभियान के साथ हर गली रास्ते को पक्का किया गया है। अपने घर में को साफ सुथरा रखो और डस्टबिन का प्रयोग करो, घर में डस्टबिन लगवाओ और कूड़ा एक जगह जैसे गड्ढा निकाल के एक जगह दफनाओ उसको, और गांव में अपने शौचालय की भी साफ सफाई रखो। शौचालय अगर आपका शौचालय साफ होगा तो घर में भी मतलब बीमारियां भी कम होंगी। हमारे ज़्यादातर बीमारियां तो हमारे शौचालय गंदा हो तभी फैलती हैं, ऐसी बातें लोगों को बताई हमने। लोग उसमें मतलब अमल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं शौचालय का, मतलब 100% लोग है शौचालय यूज कर रहे हैं। इसी गांव के बलबीर सिंह कहते हैं कि गांव आधारभूत सुविधाओं से भरपूर है, यहां साफ सफाई स्वच्छ वातावरण है। कि हमारा गांव जो है सरकार की ओर से यहां सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं, सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा यहां सभी सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो आज शहरों में जो बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन घट रहे हैं, साफ़ सफाई पानी की समस्या और दूषित वातावरण, ये आजकल शहरों में जो आम समस्याएँ हैं, उस लिहाज से हमारा गाँव जो है बहुत अच्छा है, सुंदर है, यहाँ प्राकृतिक वातावरण है और स्वास्थ्य की दृष्टि से रहने योग्य है। स्वच्छता का अभियान इस गांव पंचायत के साथ साथ यहीं के स्कूल में भी देखा गया। हमारे स्कूल में साफ सफाई का बहुत ही अच्छा प्रावधान है। यहां पर अलग अलग हर जगह दो तरह के डस्टबिन है, एक हरा डस्टबिन और नीला डस्टबिन। इन सूखे कूड़े के लिए अलग से एक डस्टबिन है और गीले कूड़े मतलब बायोडिग्रेडेबल जो जिनकी खाद बन सकते हैं उनके लिए अलग से एक डस्टबिन है। सभी बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है कि वो कूड़े को इधर उधर ना फेंके और डस्टबिन में ही फेंके। हाल ही में हमारे स्कूल में NSS के कैंप 8 से 14 तारीख तक लगे जिसमें ज़्यादातर ध्यान सफाई की तरफ दिया गया।
यहाँ पे सफाई के लिए जागरूकता के बारे में बताया गया। हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी हमें बार बार सफाई के बारे में बताते हैं। हमने सफाई के लिए थानाकला बाज़ार तक सफाई की, उसके बाद नज़दीकी शमशान घाट के जलाशयों के पास भी सफाई की। हमारे स्कूल का कैंपस प्रतिदिन साफ़ सुथरा रहता है। सफाई के लिए यहाँ पे अलग अलग डस्टबिन बनाए गए हैं, जिसमें सूखे कचरे को अलग रखा जाता है और गीले कचरे को अलग रखा जाता है। हमारे स्कूल में सफाई का बहुत प्रबंध है, कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकता है, वह उसे उचित जगह पर फेंकते हैं। NSS का मोटो है नोट मी बट यू, मुझे नहीं तुझे तेरे लिए। कचरे की साफ सफाई के लिए बहुत प्रबंध है, अलग अलग डस्टबिन, हर क्लासरूम में एक एक डस्टबिन है। इस स्कूल की जो कार्यशैली है, जो यहाँ की वर्किंग है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन रही है। साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इस स्कूल में 4 हाउसेज हैं, उनके इंचार्ज हैं और एक एक सप्ताह तक वो बच्चों से सारी गतिविधियाँ करवाते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे प्रधानाचार्य महोदय इस पर विशेष नज़र रखते हैं और जो अच्छी परफॉर्मेंस जिस हाउस की होती है उसको और प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को इनाम भी दिए जाते हैं। वैसे भी ये गांव हरे भरे पेड़ों और गोविंद सागर झील के कारण बहुत सुंदर है, परंतु स्थानीय पंचायत व लोगों की भागीदारी ने इस पंचायत को 4 चांद लगा दिए हैं। इस पंचायत के स्थानीय स्कूल में भी सफाई स्वच्छता अभियान देखा गया है। हमने अपने इस स्कूल कैंपस में 84 प्लांट्स प्लांट किए थे, जिनमें से 64 प्लांट्स जो हैं अभी जीवित हैं और हम उन्हें पानी देते हैं, टाइम टू टाइम उनकी केयर करते हैं। हम अपने स्कूल के एवरी सैटरडे हम अपने स्कूल के पूरे कैंपस की सफाई करते हैं। इस स्कूल में हम मेनली फोकस करते हैं स्टडी के ऊपर और अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर IIT और नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, और उसके लिए हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस लेके उनके डॉट्स को दूर किया जाता है। और साथ में हम लोग एज ANO मैंने अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे की, और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो NCC के प्रति हमारी कार्यशैली ये है कि हम नियर बाई गांव में जाते हैं, वहाँ के लोगों को सफाई के बारे में अवेयर करते हैं, अपने स्कूल कैंपस की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। और मैं अपने कैडेट्स में मेनली लीडरशिप क्वालिटी को फिल करने की कोशिश करता हूँ ताकि उनमें से स्टेज फियर दूर हो सके। तो रियली मैं पिछले दो साल से इस स्कूल में कार्यरत हूँ और मैंने इस संस्था में बहुत इंजॉय किया। रियली एक जो एकेडमिक देखा गया वो एक अलग ही तरह का देखा गया। वाकई हम लोग अपने जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनकी लीडरशिप में काम करके हम प्रभावित भी हैं और हमें बहुत दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखने को मिलता है। स्वच्छता अभियान यदि स्कूल से चलाया जाए तो हमारा हर वर्ग इस अभियान से जागरूक होगा। वो भी क्यों ना, जब हम अपने आसपास के स्थानों को साफ करने की आदत स्कूल से ही सीख लें तो इससे हमारा समाज साफ सुथरा बनेगा। NSS की गतिविधियों की बात है, पूरा वर्ष हमारे पास 2 पार्ट में ये गतिविधियों का आयोजन जो है वो किया जाता है। उसमें एक है रेगुलर एक्टिविटी और एक है स्पेशल कैंपिंग। रेगुलर एक्टिविटीज़ में हमारे पास जैसे स्वच्छता अभियान चलाना है, जन जागरण अभियान चलाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कार्यक्रमों का जो है वो गोद लिए गए गाँव में आयोजन करना है, रैलियों का आयोजन करना है, विद्यालय परिसर में साफ सफाई करनी है, या जो गोद लिया गया गांव जो इस वर्ष के लिए है थाना कला, उसमें कोई सफाई अभियान जो है वो चलाना है। जहां तक कि विद्यालय परिसर की बात है तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि हमारा विद्यालय राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाना कला हिमाचल प्रदेश के कुछ गिने चुने विद्यालयों में से एक है। और मैं जहाँ अपने स्कूल के जहाँ बच्चों को भी यही शिक्षा दे मतलब कहना चाहती हूँ कि अपने को साफ सुथरा रखें, अपनी जैसे ड्रेस अपना मतलब जैसे बैग है और कुछ भी है अपना साफ सफाई से, और अपना जैसे अगर आप कोई कागज़ भी यूज करते हैं और रफ कागज़ को डस्टबिन में डालें और अपने मतलब
पूरी स्वच्छता से डेली नहाएं और साफ सुथरा रहें। और गाँव वासियों से भी मेरी यह अनुरोध है कि वो भी अपने जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही निरोग रहेंगे। हमारा शरीर जितना स्वस्थ होगा, मतलब जितना हम स्वस्थ मतलब स्वस्थता अपनाएंगे उतना ही हम निरोग रहेंगे, उतनी हमें बीमारियां कम लगेंगी। इस विद्यालय के मुख्य प्रवक्ता व प्रिंसिपल कहते हैं कि स्वच्छता के लिए हमें पखवाड़े को चलाने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वच्छता तो पूरे साल भर करनी चाहिए ताकि हमारा देश स्वच्छ सुंदर बन सके। स्वच्छता जो है वो पखवाड़े में बांधी नहीं जा सकती, स्वच्छता तो डेली रूटीन की बात है और पूरे साल की बात है। तो हम स्वच्छता की बात पूरे साल बच्चों के साथ करते हैं। हमारा जो स्कूल है वो पेपर फ्री स्कूल है। हमारे स्कूल के अंदर कोई भी अध्यापक या कोई भी छात्र जो है कागज़ नहीं फाड़ता है। इवन छात्रों की जो कापियाँ हैं उसमें हमने पेजिंग करके रखी है और कोई भी छात्र अपना कागज़ जो है वो अगर गलती से फट जाए या रफ कागज़ हो जाए तो उसकी अलग पेटी लगाई हुई है जिसमें सारे रखते हैं कागज़। सभी टीचर्स के पास फाइल्स लगी हुई हैं जिसमें रफ कागज़ जो कागज़ वेस्ट हो जाता है उस फाइल में लगाते हैं। फिर हमने उसके लिए एक बॉक्स लगाया हुआ है और एक रद्दी वाले को बोला है, हर महीने जो इस तरह की रद्दी है वो जाके ले जाता है। पेपर फ्री स्कूल है, इसमें पूरे स्कूल में कैंपस में आपको एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं मिलेगा। ये विद्यालय जो है मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित हुआ है जिसमें स्वच्छता के अंतर्गत जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रबंध है। यहाँ पे जो कचरे का जो उचित निपटान किया जाता है उसी तरह जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसको भी प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है जो वर्षा का जल होता है उसका भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है संग्रहण किया जाता है और उसके बाद जो है उस जल का जो है हम पौधों के लिए क्यारियों में सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। स्वच्छता से हमारा जीवन निरोग बन सकता है, इसीलिए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो हमें हर गांव व प्रदेश को स्वच्छ बनाना होगा ताकि हमारा राष्ट्र स्वच्छ बन सके। इसी कदम को आगे बढ़ाने का काम खोली बंटवार ने किया है जिससे हर गांव आदर्श की श्रेणी में आ गया है। हम सबको यही शपथ लेनी होगी ताकि हमारा भारत देश स्वच्छ बन सके।